झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के दो विधायकों सीता सोरेन और लोविन हेब्रम के बागी तेवरों ने सरकार को और पार्टी दोनों के लिए एक बार फिर से असहज स्थिति पैदा कर ली है। वही बता दें कि जामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, जबकि बोरियू विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोविन हेब्रम की गिनती पार्टी के वरिष्ठ नेता और कदावर नेताओं में होती है। वहीं दोनों सरकार के खिलाफ न सिर्फ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि अपने समर्थकों की गोलबंदी भी तेज कर दी है। हालांकि दोनों विधायकों का कहना है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के योद्धा हैं। बता दें कि झारखंड में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में हेमंत को लेकर साथ ही उनके गढ़ को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है, क्योंकि कई अटकलें लगाई जा रही है कि हेमंत अब बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और अब कांग्रेस पार्टी से अलविदा ले लेना चाहते हैं। ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है सीता सोरेन के लिए अपनी गद्दी बिछाने के लिए, क्योंकि हेमंत कई आरोपों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कभी पूजा सिंगल तो कभी पंकज को लेकर। ऐसे में मानसून सत्र में सवाल जवाब किया जा सकता है जिसकी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि सीता पहले भी उन पर निशाना साध चुकी है, वहीं यह दूसरी बार होगा झारखंड में अपने पांव पसारने के लिए। खैर बता दें कि हेमंत के साथ कई बातों को लेकर और कई कारणों को लेकर दोनों के बीच में करवाहट आने से दोनों पार्टियों ने अपने अलग अलग नामों को उजागर किया था। वहीं उन्होंने सीता यानी सोरेन ने अपनी बेटी के नाम पर नई पार्टी बनाई थी। वहीं अब झारखंड में हेमंत सोरेन के बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब सीता सोरेन ही झारखंड की अगली सीएम हो सकती है। बाकी आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।